वेलकम 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 गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्कल्स वीडियो में आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होगी इस वीडियो हम डिटेल में जानेंगे निफ्टी का अगले वीक के लिए एंड मंडे के लिए एनालिसिस सबसे पहले जानेंगे कि लास्ट वीक हमें कैसे मूव देखने को मिले सर आप देखेंगे प्रीवियस कंटिन्यूस लास्ट वीक हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला मंडे को से मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद अपर लेवल पे सस्टेन कर पाया था लेकिन उसके बाद अगर प्रीवियस फोर डेज देखेंगे तो कंटिन्यूस डाउनफॉल ही हमने देखा है मार्केट ने मोर देन फाइव हंड्रेड पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी हम देख चुके हैं अगर आपको याद हो फिफ्टीन के आसपास हमने हाई लगाया था और वहां से फिर हमें एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है मार्केट में डेली बेसिस पे मार्केट में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा है ठीक है और हमने फोर्टीन नाइन हंड्रेड तक लेवल टेस्ट कर लिए तो मोर देन फाइव हंड्रेड पॉइंट्स का फॉल पूरे वीक में हमें देखने को मिला अपर लेवल से और फ्राइडे के अगर आप देखें तो फ्राइडे को भी मार्केट ने काफी मेजर लेवल्स ब्रेक किए उनके बिलो क्लोजिंग दी तो डिटेल में जानेंगे क्या मेजर लेवल्स थे जिनको मार्केट ने ब्रेक कर दिए, क्या आगे का ओवरऑल व्यू पॉइंट बनता है अगर नेक्स्ट वीक कैसी मार्केट देखने को मिल सकती है कैसे मार्केट वर्क कर सकती है वो भी आपको बताने समझाने की कोशिश करेंगे एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जानेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे आपके पास वीकली बेसिस में एंड इंट्राडे मंडे के लिए भी तो जानेंगे पूरा डिटेल ले से, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर ले बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है जरूर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी नेक्स्ट वीक के लिए एंड अगर आप कोई न्यू डिमेंट अकाउंट देख रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजल में स्टॉक में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर आप कोई ऐसा अकाउंट देख रहे हैं जहां पे आपको सेलिंग में कम मार्जिन यूज हो तब आज तक ट्रेड में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं हम ज्यादा बातें नहीं एक्टली exactly सबसे पहले फ्राइडे के मूव्स देखते हैं और उसके बाद जानेंगे आगे का ओवरऑल व्यू पॉइंट और क्या ओवरऑल ट्रेंड लग रहा है मार्केट में देखिए फ्राइडे को भी मार्केट स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट में थोड़ा सा वॉल आया फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स में लेकिन वहां से फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक बाउंस बैक देखने को मिला अब बाउंस बैक में ऑलमोस्ट मार्केट ने हाई लगाया फिफ्टीन वन का यहाँ पे हाई लगा के फिर मार्केट में स्टार्ट होता है रिवर्सल और वहां से एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड यहाँ पे पहली बार हमने लेवल को मिस किया मॉर्निंग में हम 15155 लेवल तक नहीं गए अगर आप देखेंगे इंट्राडे लेवल तो 15145 तक ही मार्केट गई और वहीं से मार्केट में हमें रिवर्सल देखने को मिला उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मार्केट ने लोअर साइड फिफ्टीन लेवल को क्लियरली कर दिया ब्रेक लेकिन जब ये लेवल ब्रेक हुआ इसने फिर अपना परफेक्टली एज रेजिस्टेंस का वर्क किया मार्केट में आप देखेंगे मार्केट में फिर बाउंस आ रहा है फिर मार्केट को यहीं से रेजिस्टेंस मिली फिर फॉल आया और सेकेंड टाइम फिर मार्केट एक्जैक्टली फिफ्टीन वन तक जाता है वहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिली और वहां से बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 15 15 to 50 से expected था कि हम लेवल तक आ सकते हैं इतना हमें देखने को मिल सकता है Previously भी हमने देखा था इस बार भी एक्सपेक्टेड था कि फिफ्टीन थाउजेंड तक हम आ सकते हैं लेकिन मार्केट में आप देखिए कितनी शार्प कैंडल बनी है और मार्केट ने बिना किसी डाउट के यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड लेवल को ब्रेक कर दिया यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने ना कोई इंडिकेशन दिया कि मार्केट में यहाँ कोई स्लाइटली सा भी सपोर्ट बन रहा है मार्केट ने क्लियरली इस लेवल को ब्रेक किया इस बार और जब एक बार लेवल इंपॉर्टेंट ब्रेक होता है तो फॉल भी उतना ही सडन आता है फिफ्टीन मिनट्स में ही हमें ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी वन थर्टी पॉइंट का फॉल देखने को मिला निफ्टी में सिर्फ फिफ्टीन मिनट्स में एक बहुत ही शार्प कंटिन्यूस फॉल आया मार्केट में लोअर साइड फिर हमने डे एंड में 14,900 लेवल टेस्ट किया वहां पे सपोर्ट लिया और वहां से फिर एक बार फिर से बाउंस लिया और वहां फिर हमारे किस लेवल तक अपने वही लेवल तक 15,000 जो हमने एज अ सपोर्ट तो क्लियरली ब्रेक कर दिया था लेकिन डे एंड में मार्केट इसी के पास क्लोज हुई है यहाँ पे हमारी क्लोजिंग दिख रही है फिफ्टीन लेकिन जो हमारी एग्जैक्ट क्लोजिंग आई है वो आई है बिलो 15,000 लेवल हम ये मोस्ट बहुत जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था इसको ब्रेक कर चुका है इसके बिलो क्लोजिंग भी आई है और क्लोजिंग का लेवल क्या है 14,980 थाउजेंड नाइन एट्टी यानी हमें फिफ्टीन थाउजेंड बिलो क्लोजिंग मिल गई है फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये मेजर लेवल ब्रेक हो चुका है तो आप जान लेते हैं कि मंडे के लिए क्या एक्सपेक्टेड है और नेक्स्ट वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और कैसा ओवरऑल आपको मूव देखने को मिल सकता है मार्केट में कैसा मूव एक्सैक्टली exactly देखने को मिल सकता है उसके लिए मैं एक बार आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ फिर से फाइव मिनट चार्टेंगे लेकिन एक लेवल मेरे को आपको बताना है इसलिए मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे लेके चल रहा हूँ आपको हाँ देखिए अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रीवियसली भी हमने ये ट्रेंड लाइन बताई थी कि यहाँ पे मार्केट ने काफी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ली है और काफी प्रीवियस डाटा से ये 2017 तक के डाटा से ट्रेंड लाइन की गई है ठीक है यहाँ पे मार्केट ने काफी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ली है मल्टीपल टाइम्स लॉन्गर टाइम फ्रेम में डिसके अकॉर्डिंग पहले 15,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था हमारा और वहां पर मार्केट को हमने सपोर्ट लेते हुए देखा भी अब ये ट्रेंड लाइन है तो ये कंट्रीज अप ट्रेंड मूव करेगी तो इसका लेवल अब चेंज हो चुका है और वो पहले आप लेवल देख लीजिए सिर्फ यहाँ पे फिर शॉर्ट एंड टाइम फ्रेम पे बताऊंगा कि वो लेवल यूज कैसे करना है आपको ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन पे हमारा लेवल आ रहा है 15,065 ठीक है 15,070 15 ये लेवल आपको याद रखना है अब मैं लेके चलता हूँ आपको फिर से हमारे यहाँ चार्ट पे उस लेवल की क्या वैल्यू है कैसे यूज करना है सो so अब एक्सपेक्टेड क्या है मार्केट से वो जान लेते हैं अभी जो मैंने आपको लेवल बताया फिफ्टीन थाउजेंड सिक्सेंड सेक्टली एक्सपेक्टेड क्या है मार्केट कैसे वर्क कर सकती है फर्स्टली मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि एक बाउंस आना चाहिए इसी लेवल के पास इसी रेजिस्टेंस के पास और वहां से अगर मार्केट रिवर्स होती है तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि ये लेवल एज अ क्लियरली एज अ रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि जब तक मार्केट क्लियर कट किसी लेवल को ब्रेक कर दी तो दोबारा उसे टेस्ट नहीं करती ना उस लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती जैसे कि अगर आप फिफ्टीन देखेंगे यहाँ पे क्लियर कट ब्रेक हो गया लेवल ने वर्क ही नहीं किया तो मार्केट अगर दोबारा इस लेवल तक नहीं जा रही मतलब लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं है ठीक है जैसा कि हम फिफ्टीन टू फिफ्टी थे कंटिन्यूस हमें क्या देखने को मिल रहा था मार्केट ने अगर उसे ब्रेक भी किया है तो मार्केट दोबारा उस लेवल को जाकर टेस्ट करती है और वहां से रिवर्सल लेती है उसकी कंफर्मेशन देने के लिए कि हाँ यहाँ पे रियल में अब मार्केट में रेजिस्टेंस बन चुकी है और वहां से फिर हमने एक अच्छा रिवर्सल देखा तो इसी टाइप से एक्सपेक्टेड क्या एग्जैक्टली exactly, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में होना क्या चाहिए कि मार्केट में फर्स्टली आना चाहिए एक बाउंस इस लेवल के आसपास 15,065, 15,070 थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर हो सकता है लेवल क्योंकि ये बहुत प्रीवियस डाटा से ट्रेंडलाइन ड्रॉ की है तो आपको स्लाइटली सा तो गैप मिल सकता है क्योंकि यहाँ इतने थाउजेंड की बात हो रही है तो 5 10 15 पॉइंट पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा ठीक है फिर भी आप रफ हाई के लिए 15065 याद रखिए कि मार्केट में एक बाउंस आता है 15065 लेवल पे फिर आपको देखना है वहां से एक्सपेक्टेड यही है कि बाउंस आना चाहिए इस लेवल तक यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस लेनी चाहिए और फिर हमें अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए उस डाउन ट्रेंड में टारगेट क्या होगा ओवरऑल वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा लेकिन ये फर्स्टली हमें दिख रहा है मार्केट में कि एक बाउंस आना चाहिए इसी लेवल तक इस ट्रेंड लाइन तक जो भी आपको दिखाई थी और वहां से फिर एक रिवर्सल और फिर हमें लोअर लेवल टेस्ट करना चाहिए इंट्राडे लेवल भी अभी आपको बताऊंगा और लोअर लेवल भी लेकिन ये फर्स्ट सीनैरियो हुआ लेकिन आपको बुलिश कब हो जाना है ठीक है ये तो हम कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं डाउन ट्रेंड की कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कैसे हम डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूस वर्क करते रहेंगे मार्केट में आपको दोबारा बुलिश कब होना है किस लेवल के ब्रेक होने के बाद आपको ये मान लेना कि हाँ मार्केट दोबारा आप ट्रेंड में जाने वाली है तो उसके लिए ये जो थर्टी पॉइंट की रेंज रहेगी ना फिफ्टीन से फिफ्टीन थाउजेंड आपको कोई ट्रेड नहीं करने है. ठीक है फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड हमारा लेवल है, और है। तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना आप ब्रेक कर देगी ठीक है हमें एक्सपेक्टेड है यहाँ से बाउंस आना चाहिए ट्रेंड लाइन तक और रिवर्सल लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है एंड फिफ्टीन वन हंड्रेड को भी ब्रेक कर देती है तो आपको फिर से मार्केट में बुलिश हो जाना है और ये मान लेना है कि मार्केट फिर से अब ट्रेंड में एंटर कर चुकी है दोनों सिनेरियो बता दिए फर्स्टली हमारा एक्सपेक्टेड यही है कि ट्रेंड लाइन तक आने से रिवर्स होना चाहिए लेकिन इन लेकिन आपको पूरे वीक के लिए एनालिसिस दे रहे हैं तो आपको हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है अगर मार्केट फिफ्टीन वन हंड्रेड ब्रेक कर देती है तो आपको अपना व्यू पॉइंट चेंज कर लेना है और मान लेना है मार्केट फिर से बुलिश ट्रेंड में एंटर हो चुकी है ठीक है अब लेवल्स जान लेते हैं जान, आप जान लेते लेवल्स कि कैसे मार्केट वर्क करेगी मेजर लेवल पहले बताता हूँ फिर लेवल्स बताऊंगा ट्रेंड लाइन तक जाके अगर हम फॉल आते हैं तो लोअर साइड हमारा मेजर टारगेट क्या होगा तो लोअर साइड हमारा मेजर टारगेट के लिए मैं लेके चलता हूं आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखिए हमारी जो सारी ट्रेंडलाइंस है आपको इन सारी ट्रेंड लाइन्स के अभी वो दिखाता था अपर ट्रेंड लाइन से तो अभी हमने जान लिया कि के आसपास हमारी रेजिस्टेंस आ रही है इसी में जो लोअर ट्रेंड लाइन है पहले आप देख भी लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पे मल्टीपल टाइम वर्क किया है तो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट को मेजर सपोर्ट मिलेगा फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड लेवल पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसके अकॉर्डिंग मार्केट में अभी मेजर सपोर्ट 14700 के पास मार्केट को मिलने वाला है प्रीवियसली भी मैं आपको बता चुका हूँ 14700 लेवल आपको याद होगा और वहां पे एक और कंफर्मेशन मिल रही है आपको वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो आपको डबल कॉन्फिडेंस देगी मार्केट में कि हाँ रियल में मार्केट में 14700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पे मार्केट में काफी मेजर सपोर्ट होगा और लोअर साइड अब मार्केट यहाँ अब तक जाएगी तो वहां पे काफी मेजर सपोर्ट है हमारा एक इंडिकेटर जो हम सिंपली यूज करते हैं आपको बताते हैं ट्रेड्स के लिए पोजिशनली भी बहुत अच्छे से वर्क करता है इसके अकॉर्डिंग अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एग्जैक्ट इसका सपोर्ट कहाँ आ रहा है मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड का सपोर्ट भी मार्केट में फोर्टीन सेवन हंड्रेड लेवल पर ही आ रहा है ये देखिए फोर्टीन सेवन हंड्रेड लेवल पे सुपर ट्रेंड भी डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बता रहा है तो बहुत ही मेजर लेवल है फोर्टीन सेवन हंड्रेड अब मार्केट में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें हमें फोर्टीन सेवन हंड्रेड पे मेजर सपोर्ट मिलेगा प्रीवियसली भी आपको बताया था जब फिफ्टीन थाउजेंड ब्रेक हो जाएगा तो हम फोर्टीन सेवन हंड्रेड की तरफ आते हुए देखेंगे और वहां पे मेजर सपोर्ट है लेकिन अभी भी ट्रेंड लाइन पे भी औ, और सुपर ट्रेंड भी सेम लेवल बता रही है हमें फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ ना तो फिर मार्केट में एक बहुत ही बड़ा फॉल आ सकता है और उसमें नेक्स्ट जो हमें सपोर्ट मिलेगा वो ऑलमोस्ट 500 हंड्रेड पॉइंटी टू हंड्रेड लेवल पे ठीक है अगर ब्रेक हुआ तो उसकी अभी बाद में बात करेंगे आगे जैसे जैसे लेवल आएंगे क्योंकि हम डेली वीडियोस आते हैं तो कुछ भी ऐसा होता हो देखेंगे तो वो लेवल्स आपको तब अपडेट कर देंगे लेकिन अभी आपको याद रखना है कि अब लोअर साइड जो लोअर ट्रेंड ये ट्रेंडीन्यूस हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है इसमें लोअर साइड सपोर्ट हमारा कहाँ पे तो मेजर लेवल आपको पता लग गया है मेजर बन चुका है मार्केट में ठीक है वहां से एक्सपेक्टेड है वहां एक बार बाउंस आके मार्केट इस ट्रेंड पे सपोर्ट लेगे और फिर फॉल आना चाहिए फॉल में लेवल क्या है फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड मेजर सपोर्ट है मार्केट के लिए इस कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में अभी 15,100 लेवल जिसके अब फिर से हम बुलिश हो जाएंगे वीकली एनालिसिस हो जाएगी ठीक है अब इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ आ रहा है तो इंट्राडे अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है 15,000 लेवल वहीं पे हम ऑलमोस्ट क्लोज हुए हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रीवियस लेवल था वो था फिफ्टीन उसी के अब, अब हमें बुलिश होना है लेकिन रेजिस्टेंस जोन अब बन जाता है 1565 से 15100 लेवल उसका लॉजिक आपको क्लियरली होप समझ आ गया होगा क्यों है वो हमारा पूरा रेजिस्टेंस जोन है एक और सपोर्ट लेवल्स क्या है ओवरऑल ट्रेंड क्या है नेगेटिव चल रहा है आगे भी नेगेटिव एक्सपेक्टेड है कि बाउंस आके फॉल होना चाहिए मार्केट 15100 ब्रेक हो जाएगा तो व्यू पॉइंट चेंज कर लेंगे लेकिन अभी एक्सपेक्टेड ये है एक बाउंस आना चाहिए और वो सेल ऑफ होगा ठीक है लोअर साइड सपोर्ट आ रहा है फोर्टीन लेवल पे फ्राइडे को भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहां से एक अच्छा हंड्रेड पॉइंट का बाउंस भी देखने को मिला सडन लेवल की तरफ, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल, उसके बाद फोर्टीन थाउजेंड एट फिफ्टी फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड ठीक है ये सारे लेवल्स हैं इंट्राडे सपोर्ट्स के लिए अभी डाउन ट्रेंड चल रहे हैं तो डाउन ट्रेंड के ज्यादा लेवल मैंने आपको बताया अप ट्रेंड के लेवल कब हम डिस्कस करेंगे फिफ्टीन को ब्रेक कर दे अभी मेजर एक्सपेक्टेड देवल फ्रेंड्स आपको क्लियर कट एक व्यू पॉइंट मिला होगा नेक्स्ट वीक के लिए कोई भी है? फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेकिन मिली हो तो लाइक like भी जरूर करके जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच